प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित शाह, जो कि जबरदस्त नॉलेज रखते हैं, खासकर अगर हम बात करें भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के बारे में। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। इंडिया और चाइना के बीच इस वक्त एक ही गैप है, जो कि ज्यादा जिसको बात की जाती है, जब आपकी उसको पढ़ते हैं कि वहां पर जो खवातीन है वो ज्यादा बड़ी तादाद में काम करती हैं इंडिया के निस्बत। इंडिया का रेशो थोड़ा सा उनसे कम है। तो जब ये इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हुई, तो उसमें जब दोनों की रिसर्च आई, तो मैं ये पढ़ रही थी कि जिस चीज का फर्क है और तरक्की में भी उससे बहुत फर्क पड़ता है, वो ये है कि चाइना की खवातीन जो वुमेन है वो बहुत ज्यादा काम वर्किंग वुमेन है, जबकि इंडिया की उतनी नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि इस दोनों कंट्रीज के इस गैप को फिल करने के लिए और इंडिया को इसमें भी ऊपर आने के लिए भी ये वाली आइडियोलॉजी की जरूरत है, इसलिए भी ये किया गया। एम आई राइट? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि 400 साल में ही जॉब एज अ मॉडल ऑफ एम्पावरमेंट आया है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम रिजेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स है, जहां पे ब्रिटिशर्स ने चार दीवारी में 15 साल तक बच्चों को कैद किया कि वहां से कोलोनियल स्लेव्स निकले फैक्ट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वहां से वुमेन को यूज करना शुरू हुआ एज अ टेम्पररी जीडीपी यूनिट ऑफ लेबर। तो चाइना का जो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स करके ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, विच इज बाय 2029 देयर विल बी अ 4-1 क्राइसिस, मतलब चार ग्रैंड पेरेंट्स, दो पेरेंट्स और कमाने वाला खाली एक, और उसको लड़की नहीं मिल रही है शादी करने के लिए बिकॉज ऑफ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी। एग्जैक्टली। अगर आप वुमेन को डिप्लॉय कर लेते हैं जॉब मॉडल में, उनके फर्टाइल ईयर्स में, खाली टेम्पररी जीडीपी ऊपर ले जाने के लिए, तो आपके बर्थ रेट्स चले जाएंगे। तो बाय 2029 चाइना विल हैव अबाउट 40 मिलियन मेन विदाउट एनी वुमन टू मैरी। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का सोशल केओस वहां आने वाला है। हम इस मॉडल में नहीं मानते, हम कह रहे हैं मैन एंड वुमेन दोनों को एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे एम्पावर करना है। तो जितना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन हम दे पाएंगे, रिसर्च और इनोवेशन के लिए इंसेंटिव दे पाएंगे, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टीयरिंग विल उन्हीं के हाथ में होना चाहिए, तब जाके बर्थ रेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन इकोनॉमिक्स। अब्राहमिक इकोनॉमिक्स जो है, जो टेम्पररी जीडीपी के लिए वुमन को भी डिप्लॉय कर दिया फॉर अ यूनिट ऑफ लेबर, उन सबके बर्थ रेट जा चुके हैं, अमेरिका का जा चुका है, ईयू का जा चुका है, रशिया का जा चुका है, चाइना का जा चुका है, और जापान का तो बिल्कुल जा चुका है। तो ये सब कंट्रीज ने जो गलती की वो हम नहीं दोहराने वाले। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो है वुमेन एम्पावरमेंट का वाया एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। और ना सिर्फ ये, हमारा पूरा एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि आपने पूछा कि 2029 तक क्या, हम अपना पूरा एजुकेशन सेक्टर रिवैम्प करने वाले हैं, उसको वापस एंटरप्रेन्योरशिप फोकस पे लेके आने वाले। आपके तो एजुकेशन सिस्टम की पहले ही इतनी तारीफ की जाती है, यानी कि कहा यह जाता है, हम भी ये करते हैं बात कि देखिए वहां पे आईआईटीज की वजह से, उनके एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही जो इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, उसमें बेसिक फैक्टर ये है कि उन्होंने अपनी जनरेशन को टेक्नोलॉजी की या दूसरी तालीम दी और अब वो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पे रूल कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि अब आप इसको चेंज कर देंगे, इसको ट्वीक किया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप को आउटपुट, प्रायोरिटी आउटपुट देने के लिए, कि अगर आप क्लास से निकल रहे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, आपको खुद इंटरेस्ट आना चाहिए। तो एक जो मेमोरी बेस्ड टेस्टिंग होता था, उसको थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन करके प्रैक्टिकल मार्केट में आप क्या प्रॉफिट कमा सकते हो, उस तरह ले जाएंगे हम, क्योंकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स चाहिए हमको, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए। तो ये जो, इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब मॉडल नहीं रहेगा, हम ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटी आउटकम ये होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो नेचुरल टैलेंट है, आज जब बच्चा कुछ बिजनेस आइडिया लेके आता है तो पेरेंट उसको क्या पूछते हैं, बोलते हैं तू पहले डिग्री कंप्लीट कर ले, बाद में बिजनेस कर, बाद में कुछ आइडिया एक्सपेरिमेंट करना। तो ये जो बॉटल नेक्स है, हम उसको हटाना चाह रहे हैं।
तो हमारे जो एजुकेशन सेक्टर के कैंपसेस हैं वो बन जाएंगे स्टार्टअप और रिसर्च सेंटर्स। आज एक डेटा आया है कि इंडिया का लास्ट एक साल में, क्योंकि ये हमने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं, लास्ट एक साल में 43% जंप आया है पेटेंट रजिस्ट्रेशन में, 43% जंप। ओके, तो जिस प्रकार के रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं वहां में, वहां हमारा एक एक इंस्टीट्यूशन जो है वो इनोवेशन का हब बन जाएगा, स्टार्टअप और इनोवेशन का हब, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाह रहे हैं जो पूरे विश्व को एम्प्लॉय करे, हमारा टारगेट ये है। जॉब सीकिंग तो ठीक है, वो तो कोई भी कर लेगा, अगर आपने कोई स्किल सीखा है तो आपको जॉब तो मिल ही जाएगी, बट क्या आप उसको इनोवेशन लेड इकोनॉमी बना सकते हैं? क्या हम 50 गूगल दे सकते हैं? ये है प्रधानमंत्री जी का विजन। क्या हम 50 अमेज़न बना सकते हैं पूरे विश्व के लिए? भारत क्या कर सकता है? तो ये जो विश्व मित्र वाला कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि हम नहीं मानते सुपर पावर वाले कॉन्सेप्ट में। बड़ा ही दुर्भाग्य होगा आलिया जी इस सभ्यता का अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री से कॉन्सेप्ट बोरो करना पड़ता है सुपर पावर वाला। वो तो अभी बच्चे हैं, उनको तो पैदा हुए 500 साल हुए, तो हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते जो बोलता है कि भाई फॉरेन मिनिस्टर कोई कंट्री में जा रहा है तो ऊपर से बॉम्बर्स उड़ रहे हैं और डोमिनेट किया जाता है, पॉलिसी इम्पोज की जा रही है, पपेट रिजिम बिठाया जा रहा है। हम इस सुपर पावर के कॉन्सेप्ट में नहीं मानते, क्योंकि ये टेनेबल ही नहीं है, इट्स नॉट फिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म। हम मानते हैं विश्व मित्र वाले कॉन्सेप्ट में कि भारत विश्व के लिए क्या कर सकता है। कल को अगर किसी नेशन को पॉलिसी का गाइडेंस चाहिए तो वो प्रधानमंत्री जी के पास आके पूछेंगे कि गुरु जी हमें बताएं। और आप तो जानते ही हैं कितने लीडर्स हैं जो सीधे पैर छूते हैं प्रधानमंत्री जी के, तो ये तो अब एक्सेप्टेड ग्लोबल लीडरशिप है। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं नया बता रहा हूँ। तो हम ये देख रहे हैं, ये वाला स्टेटस देख रहे हैं, हम सुपर पावर वाला नहीं देख रहे। और विश्व गुरु के कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं कि गुरु का अर्थ ही ये होता है कि जो आपको डार्कनेस से लाइट की ओर लेके जाए। सामने से शिष्य जो आता है गुरु के पास कि गुरु जी हमें सिखाएं, और गुरु जी सोचेंगे कि इस शिष्य की पात्रता है भी या नहीं या कितना सिखाना है, और गुरु जो है वो छड़ी भी रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड पावर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगर रेड सी में या अरेबियन सी में हमने भेजनी है फौजें तो हम वो भी भेजेंगे। तो ये इसका रिजेक्शन नहीं है। ये जो आपने बात की और आपने ये जो बात की कि वो तो उनके पांव छूते हैं, ये तो एक्सेप्टेड बात है अब सबके सामने। एग्जैक्टली अब तो जो है वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स उनको ये बोलते हैं यू आर माय बॉस, यू आर द बॉस, तो वो सब बॉस मानते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने ऐसा करके दिखाया, मोदी साहब ने ऐसा करके दिखाया, उनको बॉस मानना पड़ेगा आपको, और मान रहे हैं सब। लेकिन ये जो आपने बात की, सारा जो आपने मॉडल बताया, तो उस पे मेरा ये कहने का दिल कर रहा है कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉ, क्योंकि वो यही चल रहा है ना उसके ऊपर इंस्टाग्राम और हर जगह पर। लेकिन ये जो जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉ है वो उस वक्त तक है कि जब तक, जो आपने अभी अरेबियन सी रेड सी की बात की, अभी जो US इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है उसमें उनका ये कहना है कि जो चाइना और इंडिया के बीच खासतौर पर, लेकिन जो इंडिया चाइना और पाकिस्तान है, यहाँ पर पोटेंशियल एक जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट है वो कुछ हो सकता है। तो इस सिचुएशन में तो जाहिर है कि ये सारा जो है वो जो कि बिल्कुल इसको अचीव करना चाहिए, मैं कहती हूँ कोई भी कंट्री कोई भी इस तरीके से करेगा तो वो कहाँ पे पहुंचेगा। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक हर्डल आपके सामने रहता है कि ये जो है कुछ नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ जो रिलेशंस हैं उसमें खतरा मौजूद रहता है, और कहीं वो ना सब कुछ खराब कर दे, तबाह बर्बाद कर दे? इसके बारे में आखिरी मेरा सवाल होगा, क्या कहना आपका? देखिए आलिया जी, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, एटलीस्ट मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ बहुत क्लैरिटी के साथ कि डीरेडिकलाइजेशन के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, राइट? मतलब जिस रास्ते अगर आप कंटिन्यू करते हो पुराने वाले रास्ते पे, तो टुकड़े से टुकड़े और होते ही जाने। जैसे आपने बांग्लादेश खो दिया, फिर आपने ग्वादर खो चुके हैं ऑलरेडी चाइनीज के कर्जे में, ठीक, तो अब धीरे धीरे पीओके जाने वाला है। अगर नहीं सुधरेंगे तो यही होना है, और जो सुधरने वाला रास्ता बहुत साफ है डीरेडिकलाइजेशन वाला, जहां सऊदी अरेबिया से लेके UAE सब कोई अपना अस्तित्व टटोल रहे हैं जमीन से खोद के वो एक्चुअली वो कौन है वो खुद भी ढूंढ रहे हैं। तो आज मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा सऊदी ने जैसे एडवर्टीजमेंट हज की नहीं डाली,
उनकी जो टूरिज्म की एडवर्टीजमेंट आती है वो अल उला टाउन की आती है जहां पे मंदिर शेप स्ट्रक्चर्स हैं, क्यों उन्होंने हज का एडवर्टीजमेंट नहीं डाला? तो बहुत साफ है रास्ता डीरेडिकलाइजेशन का, और वो करना ही पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमिक्स जो सस्टेनेंस है वही पॉसिबल नहीं है। तो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स के चलते ही तो गल्फ ने ये पाया कि जो मुफ्त का क्रूड ऑयल निकल रहा है इसका रेलेवेंस तो 15-20 साल का बचा, फिर तो हम ऊंट पे चले जाएंगे। तो जब उन्हें भी समझ में आ रहा है कि भाई नहीं, खोजना ही पड़ेगा कि भारत के साथ हमारा क्या रिलेशन था, जब वो सही पटरी पे आ रहे हैं तो पाकिस्तान। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और अंकित शाह जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे दोनों ने चर्चा की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।